Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि महाराज दादा और द प्राइड ऑफ कोलकाता के उपनामों से मशहूर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली राजनीति में कदम रख सकते हैं। टीएमसी सांसद सौगत राय का कहना है कि सौरभ गांगुली सभी बंगालियों के लिए एक आइकॉन है। अगर वो राजनीति में आते हैं तो मैं खुश नहीं होऊंगा। वो बंगाल से इकलौते क्रिकेट कप्तान रहे, टीवी शो के कारण भी फेमस हैं। उनका राजनीति में कोई बैकग्राउंड नहीं है, ऐसे में वो यहाँ नहीं टिक पाएंगे। आइए बीसीसीआई अध्यक्ष की पारिवारिक पृष्ठभूमि और क्रिकेट सफर पर एक नजर डालते हैं। कोलकाता की मशहूर हस्तियों में शुमार निरोधकांत गांगुली एनसी गोनसाई प्रिंस के मालिक हैं। उनके बड़े बेटे चंडी गांगुली क्रिकेट खिलाड़ी रहे, बाद में उन्होंने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल की कमान संभाली। वह बीसीसीआई की सब कमेटी में भी रहे। स्पष्ट है कि गांगुली परिवार में क्रिकेट संस्कृति बहुत पहले से मौजूद है। चंडी गांगुली के दो बेटे हैं स्नेहाशीष और सौरभ। बचपन में स्नेहाशीष को क्रिकेट खेलने में बेहद रुचि थी और गांगुली परिवार ने इसे गंभीरता से लिया। इसके विपरीत सौरभ को क्रिकेट को लेकर कोई जुनून नहीं था, बल्कि उन्हें फुटबॉल से प्यार था। सौरभ के मामा के परिवार का उस समय क्रिकेट से भी नाता था। उनके नाना सचिदानंद चटर्जी वारिसा स्पोर्टिंग क्लब के संस्थापक सदस्य थे, जबकि मामा अरूप चटर्जी क्रिकेट खेला करते थे। सौरभ बहुत कम उम्र से ही क्रिकेट के माहौल में बड़े हो रहे थे, हालांकि उन्हें बचपन से ही फुटबॉल के प्रति लगाव था। अपने बड़े भाई स्नेहाशीष को देख सौरभ का झुकाव धीरे धीरे क्रिकेट की ओर बढ़ गया। 1986 में सौरभ को बंगाल के अंडर 15 टीम में जगह मिली, जिससे सौरभ के लिए क्रिकेट के विभिन्न स्तर के दरवाजे खुल गए। अंडर 19 इंडिया स्कूल टीम कैलाश घटानी का स्टार क्लब मुंबई से लेकर इंग्लैंड तक, यानी सौरभ का क्रिकेट सफर शुरू हो चुका था। 1989-90 के सीजन में सौरभ गांगुली को बंगाल रणजी ट्रॉफी के लिए बुलाया गया था, हालांकि बंगाल के अंतिम एकादश में उन्हें नहीं चुना गया। अरुण लाल, अशोक मल्होत्रा, पंडव राय, राजा बैंकेट और खुद स्नेहाशीष शानदार फॉर्म में चल रहे थे। एडन गार्डन में रणजी फाइनल था, प्रतिद्वंदी टीम दिल्ली थी। मैच से एक दिन पहले कप्तान शबरंज बनर्जी ने कहा कि उन्हें एक मजबूत गेंदबाज की जरूरत पड़ेगी, एक ही विकल्प सौरभ है, लेकिन कौन बाहर बैठेगा। अंत में सौरभ को बंगाल की टीम में शामिल किया गया और स्नेहाशीष बाहर हो गए। अगर स्नेहाशीष उस मैच में खेले होते तो आज की तस्वीर पूरी तरह से अलग हो सकती थी। 1992 में सौरभ को सीनियर क्रिकेट टीम में शामिल कर लिया गया। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर थी। सौरभ ने त्रिकोणीय वनडे सीरीज के मुकाबले में सिर्फ 3 रन बनाए, फिर उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। कहा गया है कि सौरभ को उनके अहंकार के कारण राष्ट्रीय टीम में जगह नहीं दी गई, यहां तक कि महाराज नाम के बारे में चुटकुले भी हैं। 4 साल बाद भारत ने इंग्लैंड का दौरा किया। सौरभ को एक ऑलराउंडर के रूप में भारतीय क्रिकेट टीम में जगह मिली। उन्होंने लॉर्ड्स में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया। हैरी ग्राहम और जॉन हैम्पशायर के बाद सौरभ तीसरे क्रिकेटर हैं जिन्होंने लॉर्ड्स में टेस्ट में पदार्पण करते हुए शतक जड़ा। अगले टेस्ट मैच ट्रेंट ब्रिज में था, वहीं भी सौरभ के बल्ले से 136 रनों की शानदार पारी निकली। उसके बाद उन्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ा। इंग्लैंड से लौटने के बाद सौरभ ने शादी कर ली दुल्हन दोना राय। उस समय रॉय परिवार और गांगुली परिवार के अच्छे संबंध नहीं थे। सौरभ ने इसे नज़रअंदाज कर फरवरी 1997 में डोना ने शादी कर ली। डोना पेशे से ओडिसी डांसर हैं। उन्हें केलचुरण महापात्रा से नृत्य सीखा है। वर्तमान में उनका एक नृत्य विद्यालय है जिसका नाम दीक्षा मंजरी है। 2000 में क्रिकेट में फिक्सिंग का साया मंडरा रहा था। ऐसे में भारतीय क्रिकेट की बागडोर किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपने की चर्चा हो रही थी जिसकी छवि बहुत साफ। सचिन ने कप्तानी से इनकार कर दिया था, तब भारतीय क्रिकेट टीम की कमान सौरभ को सौंपी गई। सौरभ की कप्तानी में भारत ने 49 में से 21 टेस्ट मैच जीते, जीतने का प्रतिशत 42.85 है। दूसरी ओर इन्होंने 148 वनडे मैचों में से 76 जीते हैं, जीतने का प्रतिशत 53.90 है। सौरभ के नेतृत्व वाली भारतीय क्रिकेट टीम ने कभी भी T20 मैच नहीं खेला, हालांकि IPL टूर्नामेंट में उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स और पुणे वॉरियर्स का नेतृत्व किया है। सौरभ गांगुली के रनों के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो सौरभ ने 113 टेस्ट मैच में 7212 रन बनाए हैं, इनमें से 16 शतक हैं, और दूसरी ओर उन्होंने 311 वनडे इंटरनेशनल मैचों में 11363 रन बनाए हैं, जिनमें उनके 22 शतक भी शामिल हैं। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद सौरभ ने एक प्रशासक के रूप में भी कुशल भूमिका निभाई है। 1954 में विजय नगरम के महाराजा के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष चुने जाने वाले वह दूसरे भारतीय क्रिकेटर बने। वह कोरोना काल में भी IPL 2020 कराने में सफल रहे। हाल ही के आंकड़े बताते हैं कि सौरभ के पास 350 करोड़ रुपए की अनुमानित संपत्ति है। इसके अलावा सौरभ की ब्रांड वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा है। उन्होंने क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद से ही कमेंटेटर के रूप में काफ़ी कमाई की है। ISL यानी कि इंडियन सुपर लीग में ATK मोहन बागान के सहमालिक के अलावा सौरभ भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। अगले साल तक सौरभ की आमदनी
फीसदी बढ़ सकती है। इसके अलावा उनकी निजी संपत्ति का अनुमानित मूल्य लगभग 45 करोड़ रुपए है। लग्जरी कारें लगभग 7 करोड़ रुपए की हैं। बीसीसीआई से उन्हें लगभग 5 करोड़ रुपए मिलते हैं और वह विभिन्न ब्रांड एंडोर्समेंट से एक साल के अनुमानित 2 से 3 करोड़ रुपए भी लेते हैं। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.